खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ने नगर पालिका ननपारा की मीटिंग हॉल में बैठक की। कई पत्रकार ने एरा की सदस्य ग्रहण की। कोतवाली ननपारा द्वारा किए गए पत्रकारों के साथ में अवरता का मुद्दा जोर शोर से उठा। जिब्राइल खान की खास रिपोर्ट बहराइच। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। एक ग्राम सभा बभनपुरवा से हमको फ़ोन आया, तो हमारे मीडिया कर्मी वहाँ कवरेज के लिए गए। वहाँ से जब कवरेज करके आए तो एसओ साहब ने थाने पर बुलाया। उसके बाद में मोबाइल लेकर वीडियो सारी डिलीट कर दिया और पत्रकारों को साथ में अभद्रता पूर्वक की गई। कहाँ की बतवाल? ननपारा कोतवाल हर्षवर्धन सिंह। क्या कहा कोतवाल साहब ने? कोतवाल जी ने क्वालिफिकेशन मांगा, उसके बाद में अथॉरिटी लेटर मांगा, उसके बाद में आई कार्ड रखा था उसको उठाकर फेंक दिया और मारने का धमकी दिया और बंद करने का। यानी आप अपने संगठन के साथ में थे उस दौरान? हाँ, उस समय हम संगठन के साथ। लगभग कितने लोग रहे होंगे आपके साथ? लगभग वहाँ पर 6 से 7 लोग थे। और कौन था आपके साथ में? हमारे साथ में आशीष कुमार थे, शिवम पांडे थे। मैं आशीष कुमार शर्मा, साक्षी लाइव टीवी से उत्तर प्रदेश ब्यूरो। एक हमारा मैटर था कि हमारे कुछ पत्रकार बंधु अहलाद गांव, जो कि नानपारा कोतवाली के अंतर्गत आता है, वहां से एक गार्जियन का फ़ोन आया कि प्रधान के द्वारा वहां लोगों से जबरन कुछ आवास में पैसा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में। तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु वहाँ जाकर कवरेज करने के लिए गए। उसके बाद वहाँ से जब वो आए तो पीड़ित को लेकर नानपारा कोतवाली में उसकी तहरीर दी कि प्रधान उसके साथ अशब्द व्यवहार कर रहा है। जब वो आए यहाँ कोतवाली में तो वो लोग अपना कार्ड कोतवाल को दिखाए, जो जिनका नाम हर्षवर्धन जी है। तो कोतवाल हर्षवर्धन ने हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने उनकी आईडी कार्ड उठाकर फेंक दिया, सभी लोगों के सामने उन्हें अशब्द प्रयोग करने लगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि आता जाता कुछ नहीं है, कैसे कहां से किस मीडिया कर्मी बनकर चले आते हो। इस पर पत्रकार बंधुओं ने आक्रोश जताया और वहां से चले आए। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या रणनीति बनाएंगे? यदि हमारे पत्रकार बंधुओं को न्याय नहीं मिला तो मैं इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन इरा उत्तर प्रदेश पंजीकरण के द्वारा मैं सभी पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार और बहराइच पुलिस अधीक्षक के साथ साथ डीएम की भी होगी। मेरा नाम शिव कुमार पांडे है, मैं आह्लाद गांव में कवरेज करने का। शुभ नाम क्या है आपका? रामेश्वर सिंह, साक्षी लाइव टीवी ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश बहराइच। हमको सूचना मिली थी, मैं कवरेज करने के लिए आह्लाद गांव में पहुंचा, वहां पे कवरेज किया और फिर वहां से निकल चुके। निकले तो जो लोग बुलाए थे हमको, उन लोगों के ऊपर प्रधान के जो चिमचा हैं वो धमकी देने लगे। तब उन लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया, फिर हमने थाना यहाँ कोतवाली में फ़ोन किया, तो इन्होंने बोला कि FIR उनको बुलवा के और दे दिया जाए। किसने? कोतवाल साहब ने? कोतवाल साहब ने बोला। फिर जब वो लोग आए यहाँ FIR देने के लिए तो हम लोग भी साथ ही में गए। वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने हम लोगों से अथॉरिटी लेटर और आई कार्ड ये सब मांगने लगे, और कक्षा 8 पढ़े हुए हैं, मीडिया कर्मचारी बन गए। और कुछ कोतवाल साहब, वो उनका हर्षवर्धन सिंह जो कोतवाल हैं, उन्होंने कहा हमसे, तो कक्षा 8 पढ़े हुए हो आप, मीडिया लायक नहीं हो और ये मीडियागिरी करते हो, 400 BC में मुकदमा डाल के और बंद कर देंगे, जो 7 साल के लिए जेल होगा और आप छुड़ा भी कोई नहीं पाएगा, इसलिए आप मीडिया नहीं हो। अच्छा, जो आपके साथ पीड़ित आए थे जी, तो क्या उनको न्याय मिला था? उनको भी न्याय नहीं मिला। वो पीड़ित का कहना ये है कि 1,10,000 रुपये लेकर ये फाइल बंद करवा दिया गया है। दौरिया है और मैं साक्षी लाइव टीवी से क्राइम रिपोर्टर हूँ, मस्जिद तहसील से। और अहलादा गांव में कुछ हमको जानकारी मिली, आवास योजना में घोटाला हो रहा है, प्रधान जी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये लेकर के, मतलब पैसे दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही थी। इसकी सूचना पाकर के हम लोग कवरेज करने जब वहाँ पहुँचे तो मौके पे जो बात सुनने में आ रही थी वो सही थी,
और उस चीज़ को कवर करते हुए जब हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए तो प्रधान के कुछ लोगों ने मतलब दमंगई के साथ वहाँ पे लोगों को परेशान किया, तो उन लोगों ने बोला कि एक FIR डाल देते हैं। उस मामले में हम लोग आए यहाँ थाना कोतवाली नानपारा पहुँचे, तो कोतवाली नानपारा में जब अपना मामला रखा अगले ने और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो साथी में कोतवाल साहब ने बोला कौन से चैनल से हैं आप, नाम क्या है आपका, पूरी डिटेल बताया और ID दिखाया। तो ID दिखाने के बाद कोतवाल साहब बोलते हैं ये पोर्टल पत्रकार है और तुम लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा, 420 में जेल जाओगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ऐसी धमकियां देते हुए हम लोगों का मोबाइल और ID छीन करके फेंक दिया और वहां से बहुत ही अपरद्धा के साथ उन्होंने व्यवहार किया और हम लोगों को धक्के मार के समझ लो कोतवाली से बाहर किया। मेरा नाम शिवम कुमार पांडे है, मैं किसी परिक्रमण से नानपारा कोतवाली में गया था और वहाँ पे जाने के बाद कोतवाल हर्षवर्धन साहब ने हमारे साथ अभद्रता से बात किया और मेरा ID कार्ड छीन के फेंक दिया और मेरा मोबाइल फेंक दिया। फिर उसके बाद मैं कोतवाल साहब ने मुझसे कहा कि आपको हम किसी मुकदमे में डाल करके और जेल भेज देंगे और 420 का भी मुकदमा दर्ज करेंगे।